मेरा नाम है राज, आप लोग का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लकी आरजे में। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी भाइयों के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, दोस्तों अब आप लोग सीएससी पोर्टल से ही ई स्टाम्पिंग एंड एफिडेविट का काम कर सकते हो। आप लोग भारत के किसी भी स्टेट में रहते हो, आप लोग ई स्टाम्पिंग एंड एफिडेविट का काम कर सकते हो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ही। तो कैसे इसका आईडी पासवर्ड लेना है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे, एंड इस सर्विस को कैसे एक्टिव करना है आज के इस वीडियो में पूरा पूरी लाइव होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलेगा। उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक ही बात करना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक क्या कर रहे हो यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों ई स्टाम्पिंग एंड एफिडेविट को लेकर मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार मिला, लेकिन दोस्तों वहां पे कमेंट क्या आ रहा है उसमें कि बहुत सारे ज्यादा स्टेट ऐसे हैं जिसमें अवेलेबल ही नहीं है ई स्टाम्पिंग एंड ऑनलाइन से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप लोग सीएससी से ई स्टाम्पिंग में काम लेते हो तो आप लोग भारत के किसी भी कोने में हो, किसी भी स्टेट में हो, आप लोग ई स्टाम्पिंग एंड एफिडेविट का काम कर सकते हो सीएससी से, ठीक है। तो कैसे लेना है लाइव आज के इस वीडियो में बताएंगे। इनके पास भी सीएससी आईडी पासवर्ड नहीं है, कैसे लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ कैसे सीएससी लेना है पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सर्च बार मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर देना है ई स्टाम्प। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो कि गवर्नमेंट द्वारा ये ऑथराइज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडियन ई स्टाम्प सर्विस की बात कर रहा हूँ। इसका अगर आईडी पासवर्ड है तो आप लॉग इन कर सकते हो, अगर नहीं है तो कैसे लेना अभी बता देंगे, ठीक है। तो मेरे पास इसका ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है एंड दोस्तों मैंने इस वीडियो में प्रॉपर बताया है कि आप इसमें कैसे काम कर सकते हो, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप लोग के पास इसका आईडी पासवर्ड नहीं है कैसे मिलेगा, आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और चैनल पर नए हो तो क्या करो यार, फटाफट चैनल को लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो। तो इसको आईडी पासवर्ड लेने के लिए सबसे बेसिक सा एक यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट इंडियन ई स्टाम्पिंग सिस्टम, आप लोग को बेसिकली इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी स्टेट है सारे स्टेट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अगर जिन भी स्टेट का यहाँ पे नाम नहीं है उस स्टेट में ई स्टाम्पिंग का काम ऑनलाइन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे स्टेट का यहाँ पे लगभग अवेलेबल है, आप अपने स्टेट वाइज भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है इसका आईडी पासवर्ड लेने के लिए डाउनलोड्स पे, तो आप लोग को इस पे क्लिक करना होगा। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि क्योंकि इसका आईडी एंड पासवर्ड लेने के लिए किसी भी तरह का ऑनलाइन प्रोसीजर चालू नहीं किया गया है, ये आप लोग को ऑफलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एसीसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप लोग को इसको ऑन कर देना है एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आप लोग को ये प्रिंट आउट करवा लेना है एंड जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ये सारा चीज को फिल करना है, अपना स्टेट, अपना नाम, अपना पैन नंबर, ये सारा चीज है यहाँ पे फिल करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, यहाँ पे आप लोग को अपना पैन कार्ड, जैसे कि आप लोग के पास कुछ और है तो आप लोग यहाँ पे टिक कर सकते हो, मेरे पास सिर्फ पैन कार्ड है तो मैं इस पे टिक कर दिया था, ठीक है। एंड दोस्तों आप लोग इसके साथ अपना पैन कार्ड का अटैच करवाना है, आधार कार्ड का अटैच करवाना है एंड दो फोटो भी लगेगा, ठीक है। उसको आप लोग को कहाँ सबमिट करना है मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, ये सारा चीज फिल कर देने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने डीएम या मतलब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होते हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, उनको ईमेल कर दीजिए, इसको जो भी स्कैन कर लिए वो स्कैन करके आप उसको पीडीएफ बना के ईमेल कर दीजिए, ठीक है। एंड वहां पे आप लोग रिगार्डिंग लिख दीजिएगा कि हमको ई स्टाम्पिंग का काम अपने सीएससी पोर्टल में एक्टिव करवाना है, ये सब्जेक्ट लिख के आप लोग को ईमेल कर देना है। दोस्तों आप लोग अब सोच रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का ईमेल आईडी हम कैसे पता करें, उसके लिए आप लोग को यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग को बैंक मित्रा, बैंक मित्रा आप लोग को इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेक्ट अस का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने चूज कर दिया एंड यहाँ पे आप लोग को अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ठीक है। मैंने चूज कर दिया, सर्च पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे तीन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के नाम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, अब ये दो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नाम आ गया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल गया, आप इसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका है आप इनको ईमेल कर दो, कॉन्टेक्ट करने के बाद आप इनको ईमेल कर दो एंड जो भी पीडीएफ बनाए हो इसका, मतलब जो भी इसका पीडीएफ बनाए हो एंड पैन कार्ड का पीडीएफ एंड आधार कार्ड का पीडीएफ आप इसको सेंड कर दो, ठीक है। सेंड करने के दो या तीन दिन बाद आपका जो भी डिजिटल सेवा पोर्टल में ई स्टाम्पिंग का काम है
वो सारा चीज एक्टिव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ई स्टैंपिंग का काम लेके एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। एंड दोस्तों आप लोग को ई स्टैंपिंग का काम अगर मिल गया है एंड कैसे इसको करना है तो आप लोग को मैं वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा इस वीडियो का, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ कि आप लोग को इसका कैसे काम करना है, कैसे ई स्टैंपिंग करना है, सारा डिटेल्स में वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही था कि आप इसका यूजर आई डी पासवर्ड कैसे ले सकते हो। अगर कोई सीएससी भी लिए तो ये सर्विस एक्टिव कर लो, बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा आप लोग को पैसा देखने को मिलेगा। फिर मैं यही था, आशा करता हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को काफी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आते तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लेटा टाइम गुड बाय दोस्तों।